हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने व्यूअर्स के डिमांड पर आप सभी को बताने जा रही हूँ मैक्रम का मोबाइल पाउच बनाना। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गाजरी कलर, कैरेट कलर का एंड क्रीम कलर का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है। इसको बनाने के लिए मैंने एक कॉर्ड को 2 मीटर काटा है। इस तरह से मैंने यहाँ पर 4-4 का टू कॉर्ड को फंसाते हुए, देखिए इस तरह से हमें कॉर्ड को फंसाना है। नीचे से हम फंसाएंगे कॉर्ड को, हम इस तरह से फंसाते हुए 1 कॉर्ड 2 कॉर्ड का पेयर बनाते हुए मैंने यहाँ पे 2 कॉर्ड क्रीम कैरेट कलर, 2 क्रीम कैरेट कलर, 2 क्रीम कैरेट कलर, इस तरह से मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 क्रीम कलर लिया है। 1 2 3 4 5 6 मैंने कैरेट कलर का यूज़ किया है। अब इसके और ये सपोर्टिंग कॉर्ड जो मेरा है वो मैंने 1/2 मीटर का लिया है। अब इसके बाद हम 4 कॉर्ड से जो बेसिक नॉट है वो लगाएंगे। टाइटली खींच लेंगे इस तरह से। हम सभी में फर्स्ट स्टेप में सभी में हम बेसिक नॉट लगा लेंगे। उसके बाद हम जो मेरा ये है नॉट लगा है बेसिक नॉट, उसका 2 कॉर्ड हम लेंगे और 2 कॉर्ड को इस तरह से फोल्ड करना है। गाजरी कलर को फर्स्ट हम कैरेट कलर को फोल्ड कर लेंगे। 2 कॉर्ड को फोल्ड करना है एक साइड और फिर सेकेंड क्रीम कलर को हम यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। अब लास्ट वाले को भी मैं आपको लास्ट वाला ब्लॉक इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टीज आती है बनाने में। अब क्रीम वाले को ऊपर करके और दोनों को हम ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद ये जब ये कॉर्ड 4 कॉर्ड 4 कॉर्ड में एक जगह इकट्ठा हो जाए तो हम यहाँ पे नॉट लगा लेंगे बेसिक नॉट। इसी तरह से फर्स्ट लाइन हम सेम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब सेकेंड लाइन के लिए हम यहाँ पर जो 4 कॉर्ड ऐसे ही हम जब बना लेंगे तो 4 कैरेट कलर का कॉर्ड एक जगह इकट्ठा होगा तो उससे हम बेसिक नॉट लगा लेंगे। और साइड वाले में को ऐसे ही छोड़ देंगे। इसी तरह से दोनों तरफ 2 नॉट लगेगा। उसके बाद फिर क्रीम कलर का 2 कॉर्ड लेकर हम ब्लॉक बनाएंगे। सेकेंड को भी इसी तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। इस तरफ वाले को भी, राइट हैंड साइड को भी हम सेम इसी तरह। यहाँ पर मैंने जो यहाँ नंबर ऑफ कॉर्ड्स यूज किया है वो मैंने अपने जो मेरा सेलफोन है उसके अकॉर्डिंग यूज किया है। आप अपने सेलफोन के हिसाब से कॉर्ड को एडजस्ट करें। कम आता है, छोटा सेलफोन है तो इससे कम कॉर्ड लगेगा और बड़ा है तो इससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा लगेगा। यहाँ 4 कॉर्ड एक जगह इकट्ठा हुआ क्रीम कलर का, उससे हम नॉट लगा लेंगे बेसिक नॉट। अब साइड वाले में ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, साइड वाले कॉर्नर में हम क्रीम को वैसे ही छोड़ देंगे और फर्स्ट क्रीम कैसे छोड़ देंगे
और सेकेंड वाले क्रीम से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। फिर एक और कॉर्ड लेंगे क्रीम कलर का, वन टू। उसके बाद यहाँ पे पहले नॉट लगा लेंगे क्रीम कैरेट कलर से, हम यहाँ नॉट लगा लेंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पर इसको पहले फिक्स कर ले, ये वाले कॉर्ड को हमें पहले फिक्स कर लेना है। उसके बाद यहाँ फोर कॉर्ड क्रीम कलर का है, तो इससे हमको यहाँ पे एक नॉट लगाना है। डिस्टेंस फिक्स करते हुए हम यहाँ एक नॉट लगा लेंगे और फिर सेम ऐसे ही होल्ड करते जाना है, वन एंड टू कॉर्ड को। फिर इस तरफ वाले को भी दोनों को ऐसे ही और फिर यहाँ पर एक नॉट लगा लेंगे। इस तरह से हम इसको थोड़े दूर तक यहाँ तक बुनेंगे जितना हमारे फोन का सेल फोन का फ्रंट का लेंथ होगा, बस जितना लेंथ होगा उतना ही तक अभी इसको बुनना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने इतना लेंथ का उसको बुन कर तैयार किया है। उसमें मैंने यहाँ पे ऐसे सेल फोन रख करके मैंने यहाँ पे इसको मेजरमेंट किया था। अब ये इसका डबल हो चुका है, ये देखिए ये बिल्कुल इसका डबल है। अब हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। इसको स्टॉप मैंने यहाँ पे बेसिक नॉट हर एक में जहाँ पे इकट्ठा हो गया है वहाँ पे मैंने इसको फिनिश किया है इस लाइन को। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमें इस पाउच को ऐसे फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद बिल्कुल बराबर से फोल्ड करके इसको ऐसे एकदम बराबर से फोल्ड करना है इसके साइड के एरिया को। और मैंने यहाँ पे हाफ मीटर का पिंक कॉर्ड लिया है कॉर्ड को लेके, और लास्ट वाले नॉट में इसको सम बैलेंस करना है। और यहाँ पे हम बेसिक नॉट जो लगाते हैं उसी को हम लगाएंगे। खींचते हुए हम इस तरह से हम बेसिक नॉट लगाते हुए अब लास्ट वाली लाइन में हम इस कॉर्ड को नीचे से लाएंगे इधर से नीचे की तरफ से हम कॉर्ड को
तरह से, और फिर अब ऊपर की तरफ से निकाल लेना है। ऊपर की तरफ निकाल कर अब फिर सेम नॉट लगाना है जैसे हमने ऊपर लगाया था। जो मैंने मोबाइल पाउच बनाने में बताया है ये एज अ वॉलेट काम करेगा। ये रहेगा तो मोबाइल पाउच लेकिन लगेगा, आप इसको यूज लीजिएगा लेके कहीं जाइएगा तो लगेगा कि ये वॉलेट है। इस तरह से हम पूरा यहाँ तक इसको पैक कर लेंगे, दोनों तरफ हम सेम ऐसे ही पैक कर लेंगे इस डिजाइन को। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ऊपर तक मैंने यहाँ पे नॉट लगा लिया है। अब ये दोनों कॉर्ड को हम नीचे से निकाल लेंगे, नीचे से निकाल लेंगे। और ये जो मेरा फ्रंट साइड जो मैं सपोर्टिंग कॉर्ड था उसमें हम इसको फोल्ड कर लेंगे, एक कॉर्ड को 2 times इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम एक कॉर्ड को 2 times फोल्ड करते हुए अब इधर का जो ये बैक साइड का जो डिजाइन बनाया है मैंने उसको भी हम सेम ऐसे ही। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2 cords, 1 minute, यहाँ पर हम 2 cords लेंगे और ऊपर से लेकर और अंदर से ऐसे निकाल लेना है 2 cords को, और यहाँ कट लगा के लेना है 1/2 inch से भी कम पे कट लगाएंगे और इसको यहीं पे नीचे में चिपका देंगे और इसको नीचे में ही चिपका देंगे अच्छे से। फिर 2 इस तरह से कॉर्ड के ऊपर से एक एक करके इसको अच्छे से खींच लेंगे और कट लगाएंगे। इसको अच्छे से मेल्ट करना है, थोड़ा ज़्यादा मेल्ट करना है और ऐसे अच्छे से चिपका लेना है। सभी को हम इसी तरह नॉट को टाइट एक बार फिर से टाइट करते हुए कॉर्ड से टाइटली खींचते हुए लेना है, कट लगाना है और कट लगाते समय यहाँ पे ये ढीला ना हो इस बात का ध्यान जरूर रखें। इसको मेल्ट करना है अच्छे से और इसको चिपका लेना है। ये देखिए, इस तरह से हम पूरे को ऐसे ही चिपका लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जब सारा कॉर्ड मेरा जॉइंट हो जाएगा उसके बाद जो यहाँ पे ये सपोर्टिंग कॉर्ड जो मैंने चुना था और ये जो सपोर्टिंग कॉर्ड है दोनों को कट लगा लेंगे और इसको अच्छे से मेल्ट करके इसे गोल करते हुए हमें चिपकाना है, इसे
से कॉल करते हुए इसको चिपका। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये जो मेरा मोबाइल पाउच है वो बिल्कुल बनकर तैयार है। देखिए फ्रेंड, इसके अंदर फ़ोन, मेरा सेलफोन है, और ये बहुत, देखिए इसमें से ये गिर भी नहीं रहा है। मैंने इसको इतना फिट बनाया है कि ये गिरेगा ही नहीं इसमें से। और इसमें ऊपर में कुछ लगाने की हमको ज़रूरत भी नहीं है। आपको, आपकी इच्छा है कुछ लगाने की ऊपर में, होल्ड सपोर्ट करने के लिए, तो आप लगा सकते हैं ऐसे, अदरवाइज ऐसे भी अच्छा लगेगा। ये देखिए, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।